राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से आज 22 सितंबर को राज्य भर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के द्वारा केंद्र सरकार को निवेदन भेजा गया। इस मौके पर राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अशोक जीवतोड़े ने मांगों के संदर्भ में क्या कहा, नजर डालते इस खबर पर। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से ओबीसी समाज की न्यायिक मांग को लेकर 22 सितंबर को राज्य भर में जिला कचहरी के सामने अध्यक्ष डॉक्टर बबन तायवाड़े, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अशोक जीवतोड़े के नेतृत्व में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को निवेदन भेजा गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ओबीसी समाज इकट्ठा हुआ और सभी ने इस मौके पर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बबन राव फंड, बबन राव वानखेड़े, एडवोकेट टिम्बुडे, प्राध्यापक सूर्यकांत खतके, अनिल शिंदे, प्राध्यापक नितिन कुकड़े, रवि वरारकर, रंजीत डवरे, विजय मालेकर, डॉक्टर सुरेश महाकुलकर, नंदू नागरकर, पारस पिंपड़कर, संजय सपाटे, अशोक कोबड़े, डॉक्टर संजय बर्डे, प्राध्यापक ज्योत्सना लालसरे, प्रवीण जोगी, रवि जोगी, नितिन खरवड़े, रजनी मोरे, मंजुड़ा डुडरे, गणपति मोरे, बादल बेले, रवि टोंगे, नितिन खरवड़े, कुणाल चाहरे, तुलसीदास भुरसे, गणेश आवारी, अंकुश कौरासे, भवन चीने, नामदेव मोरे के साथ बड़ी संख्या में ओबीसी बांधव उपस्थित था। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अशोक जीवतोड़े ने ओबीसी समाज की न्यायिक मांग के संबंध में क्या कहा, आप स्वयं सुनिए उनकी जुबानी। आज केंद्र सरकारकडे आमच्या मागण्या आहेत। पहिली मागणी आहे की केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना केलीच पाहिजे। ओबीसीची जातनिहाय जनगणना जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ओबीसीचे 50%हून जास्त समस्या किंवा प्रश्न मार्गी निघू शकत नाही। म्हणून आमच्या मागण्यामध्ये आज पहिली मागणी आहे की राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना केलीच पाहिजे। दुसरी मागणी आमची अशी आहे, आज महाराष्ट्रात आणि देशभर राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न उद्भवला आहे आणि या राजकीय आरक्षण वाचवण्याचं 100% जर काम करायचं असेल केंद्र सरकारला, तर केंद्र सरकारने 243(6)D आणि त्याचप्रमाणे 243(T)6 घटना दुरुस्ती करून SC/ST लोकसंख्येच्या प्रमाणात OBC लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावं किंवा त्यामध्ये तरतूद करावी की 27% आरक्षण ओबीसींना राजकीय मिळालं पाहिजे। त्याचबरोबर केंद्र सरकारमध्ये ज्या पदभरतीचा ओबीसीचा बॅकलॉग आहे त्या पदभरतीचा बॅकलॉग तात्काळ भरावा आणि तोपर्यंत रोहिणी आयोग केंद्र सरकारने लागू करू नये, ही प्रमुख मागणी देखील आमची आज या ठिकाणी आहे।